अधर्मा भी बत्वा कृष्णा गजिवंशी कूल स्त्रिया पीसु दुष्टासु वाण स्व चाहते वाण शंकर। इसका हिंदी में अनुवाद कुछ ऐसा होता है, हे कृष्णा कुल में अधिक पाप बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों का दूषित होने से वाण शंकर होता है। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहा है जब कुल का नाश होने वाला होता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्री दूषित हो जाती है क्योंकि पूरे अगर हम एक नॉर्मल लाइफ भी देखें तो भी पूरा कुटुंब फैमिली परिवार है, वो पूरा परिवार का नींव है ना, वो एक स्त्री है, एक औरत है, जब वही दूषित हो जाती है। यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है इसे वही अपना रास्ता भटक जाती है तो पूरा परिवार गिर जाता है क्योंकि नींव औरत है परिवार की। तो जब नींव हिल जाती है गिर जाती है तो क्या होता है, तो बोल रहा है अर्जुन वर्ण संकट पैदा होते हैं। वर्ण संकर यानी एक जाति से दूसरी जाति की अलग अलग जाति का मिश्रण हुआ हुआ कोई भी बच्चा संतति यानी वर्ण शंकर। और वर्ण शंकर का वही गैर फायदा है क्योंकि वर्ण शंकर के कारण पितरों को पुण्य पाप नहीं होता, उनके पुण्य आत्मा को शांति नहीं मिलती, उन तक पिंड क्रिया नहीं पहुंचती। अर्जुन बोल रहा है इसलिए कुल धर्म का नाश तो होगा ही, साथ साथ स्त्री भी दूषित हो जाएगी, स्त्री दूषित होने से किसी को मोक्ष भी नहीं मिलेगा वर्ण शंकर संतति से। वर्ण शंकर संतति से तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, ऐसा श्री कृष्ण भगवान को बोल देता है। और वो अपने तरीके से अपने विचारों से सही तो था, वो जानता ही था लेकिन वो सत्य को भी नहीं जानता, इसलिए श्री कृष्ण उसको बोलते हैं बार बार तुम युद्ध करो कर्म करो, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों में शेयर कर देना, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक आज के लिए इतना ही।